नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म के पौराणिक मान्यताओं में जन्माष्टमी त्योहार का बेहद खास महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर अवतार लिया था। देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, इसलिए उनके जन्मदिन को हर साल भादो महीने के शुरुआत के 8वें दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी या फिर जन्माष्टमी के तौर पर मनाया जाता है। अत्याचारी कंस से लोगों को बचाने के लिए जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव के 8वें संतान के रूप में अवतार लिया था। उस युग में नन्हे कान्हा का जन्म रात के समय में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस साल भादो की अष्टमी को पूरा दिन और उसके अगले दिन तक रोहिणी नक्षत्र बना हुआ है। ऐसे में इस बार कई शुभ संयोग बन रहे हैं जो भगवान कृष्ण के जन्म के वक्त थे। तो चलिए आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी किस तारीख को मनाया जाएगा और भगवान के जन्म का शुभ मुहूर्त किस समय का है। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी 29 अगस्त 2021 की रात 11:26 से शुरू होगी और यह 30 अगस्त पूरा दिन रहने के बाद देर रात 2 बजे तक रहेगी। इसलिए इस बार जन्माष्टमी 30 अगस्त को है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र पूरे दिन रहने वाली है और इसके अगले दिन 31 तारीख को सुबह 9:44 पर रोहिणी का असर खत्म होगा। ऐसे में इस साल श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को रात 11:59 से देर रात 12:44 तक है। आपको बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में ही हुआ था, इसलिए इस दिन घरों और तमाम मंदिरों में भी अष्टमी की मध्य रात्रि को ही बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस अष्टमी को लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं और रात को भजन कीर्तन किया जाता है। उत्सव से माहौल के बीच खीरे को चीरकर नन्हे बाल गोपाल का जन्म कराया जाता है। उसके बाद विधि विधान के साथ पंचामृत के साथ नहलाकर सुंदर सा वस्त्र पहनाकर और सजे धजे पालने में नन्हे कृष्ण की मूर्ति को विराजित किया जाता है। इसके बाद भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। भोग के प्रसाद को व्रती ग्रहण करते हैं। ज्योतिष के अनुसार संतानहीन लोगों को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए और इस दिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। जन्माष्टमी के अवसर पर देश के कई बड़े बड़े कृष्ण मंदिरों में धूमधाम से आयोजन किए जाते हैं और रात भर भक्त जन झूमते रहते हैं। खास करके मथुरा, गोकुल और वृंदावन में खास करके उत्साह देखने को मिलता है। बताते चले कि श्री कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश की प्राचीन नगरी मथुरा के कारागार में ही हुआ था। वहीं मथुरा के पास वृंदावन में रमन रेति पर बांके बिहारी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां दूर दूर से भक्तजन दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए फेमस है। आजकल इस खास दिन पर छोटे छोटे बच्चों को राधा और कृष्ण बनाकर तैयार करने का ट्रेंड बना है। इससे बच्चों में भी उत्साह बना रहता है। कई जगह पर मटका फोड़ने के कार्यक्रम होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग में खुशियां छा जाती हैं। इसी के साथ जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।